खबर ग्वालियर के अबाड़पुरा की है, जहां शासन की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान के बगल से प्राइवेट दुकान है, जहां उपभोक्ता राशन दुकान से सस्ता राशन खरीदकर प्राइवेट दुकान पर महंगे दामों में बेच देता है। अब देखना होगा कि कहीं उपभोक्ता ने जाली तरीके से कार्ड तो नहीं बनवा लिए हैं, और ये भी देखना होगा कि मामले में कार्रवाई कब तक होती है। कोई नहीं, ये सब अपना मला हमारी है। ये आटा और अजी दुकान तेल की, ये अपने आते हैं, ये अपना मतलब तो कंट्रोल से ले आते हैं। उनके 100-200 ग्राम जो कुछ कम है तो अपने चले जाते हैं। बकाया भाई वो तो सामान हमारे यहाँ जो कुछ लेते हैं वो मतलब ले जाते हैं, हमारा सामान लेते हैं भाई। कोई आ रहा है वहाँ से तो चावल का सामान भी तो लेगा। अच्छा, इसके बदले सामान देते हो? नहीं, सामान नहीं देते, हम कुछ नहीं करते हैं। हम अपना सिर्फ तेल आटा चावल देते हैं, उसका पैसा लेते हैं, दाल चावल उसका। यहाँ से नहीं, ग्राहक अपना राशन पूरा यहाँ से ले जाता है, और ले जाने के बाद बाहर जाके वो अपना माल बेच देता है। क्या भाव बेचता होगा? अब ये जैसे डिपेंड करता है कि ग्राहक कभी 14 रुपये किलो में या 15 रुपये किलो में बाहर रोड पे जाके या लोग चक्की पे जाके जो बेच देते हैं जाके अपना माल, जो उनको जरूरत नहीं है चावल की, तो वो लोग अपना ऐसा करते हैं। तो अगर यूनिट पे 5 लोग हैं तो उनका 50 किलो राशन बनता है, तो 50 किलो राशन उनको मिलता है, बेच देते हैं। तो 50 किलो में से जिनका उनकी जरूरत है वो रखते हैं, बाकी का उनको बेच देते हैं उसको, जिसकी जरूरत नहीं पड़ती उनको राशन। हम यहाँ तक अपनी दुकान देखते हैं, उसके बाद अगर बाहर रोड पे आ जाते हैं तो वहाँ से भी भगाते रहते हैं हम। जब हमारे सामने कोई भी आता है हम उसको भगा देते हैं।